दो तीन महीने लगेंगे आपको। ट्रैक्टर टाइम लगा ना, आई एम नॉट सोशल एनिमल राइट, एंटी सोशल। एंटी सोशल। देयर इज अ लाइफ आई लीड इन दिस सिटी, हरीइंग टू कप माय टी, आई कैन टेक व्हाट आई नीड टू गेट बाय, doesn't make it easy the other piece of my hello दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज है सैटरडे एंड अने और मैं और पापा हम तीनों जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी जगह। कहां जा रहे हैं? एक्चुअली अने को यहां बहुत टाइम से अने इज आफ्टर अस के हमको एक पेट चाहिए। पेट मतलब कि कब से शुरू हुई है कहानी, जब से हमने वो गिनी पिग्स लाए थे घर में, अने के स्कूल से आए थे वो गिनी पिग्स। बट आफ्टर पेटिंग देम अने को ऐसा लग रहा है कि अभी हमें एक पेट ज़रूर चाहिए। तो पेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इट कैन बी अ डॉग, इट कैन बी अ कैट, बर्ड्स, बट व्हाट वी वर थिंकिंग कि सबसे बेस्ट जो रहेगा हमारे लिए दैट विल बी अ डॉग। यहाँ डॉग को मेंटेन करना इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड आई विल से, क्योंकि इंडिया में थोड़ी सी आसानी होती है डॉग्स को मेंटेन करना, पर यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है। फर्स्ट थिंग इज उनको आपको, क्योंकि यहाँ मोस्टली कारपेट एरिया रहता है और यू हैव टू टेक एटलीस्ट 2 to 3 times बाहर ले जाना डॉग को, तो वो एक मतलब एक ड्यूटी आपकी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो वो हम लोग सोच रहे हैं, लाइक वी आर इन डबल थाट्स के हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। बट देन वी डिसाइडेड ओके वी विल गो फॉर अ डॉग इन केस एवरीथिंग गोज करेक्टली इन लाइन। तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं, हम लोग एक क्यूट से डॉगी की सर्च में जा रहे हैं। लेट्स सी हमें अच्छा सा डॉग मिलता है या नहीं मिलता है। एंड एक्चुअली ग्रोन अप डॉग्स तो बहुत सारे मिल रहे हैं, ऑप्शंस आर टू मैनी, बट वी आर लुकिंग फॉर अ लिटिल पपी, जिससे वो एक मतलब एज अ फैमिली मेम्बर इट विल ग्रो विथ अस। सो लेट्स सी, देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो हम लोगों ने 2-3 स्टोर शॉर्टलिस्ट किए, यहाँ पे स्टोर्स हैं काफ़ी अच्छे, या फिर आप चाहें तो मतलब इन केस यू आर आल्सो लुकिंग देन आई एम जस्ट टेलिंग यू सम ऑप्शंस। तो काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, कुछ अडॉप्ट जहाँ पे अडॉप्ट होते हैं डॉगीज़ वो भी हैं, अडॉप्शन सेंटर्स, तो हमने वहाँ पे भी पता किया है 2-3। लेकिन अने को जो पसंद है दैट इज़ गोल्डन रिट्रीवर, तो हमने सोचा पहले वही सर्च करते हैं गोल्डन रिट्रीवर, क्योंकि अने एक वीडियो देखता है रेगुलरली, इनफैक्ट बहुत सारे वीडियोज़ देखता है। वन इज़ टकर एंड अने लव्स दैट डॉग, और इनफैक्ट मैं और अने दोनों ही देखते हैं काफ़ी टाइम से। वैन टकर वॉज आई थिंक ओनली 2-3 months ओल्ड, तब से हम लोग उसके वीडियोज़ देख रहे हैं एंड वी लव दैट डॉग। तो इसीलिए शायद गोल्डन रिट्रीवर से एक अलग सा अटैचमेंट भी है। मेरे घर में शुरू से जर्मन शेपर्ड रहा है, तो डॉग्स का मुझे बहुत क्रेज़ रहा है शुरू से, और इन माय फैमिली हमेशा रहा है एक डॉग। तो लेट्स सी यहाँ हम लोग उसको मेंटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वील सी। सो वी आर जस्ट गोइंग देयर और मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्यूट वाला हमें डॉगी मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस। देखिए हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जहां हमें दिख रहे हैं इतने सारे फर बेबीज़, वो भी एक साथ। कुछ तो खेल रहे हैं, कुछ सो रहे हैं। इट्स आफ्टरनून टाइम एक्चुअली, तो मे बी दिट इज़ देयर रेस्ट टाइम एंड दे हैव केप्ट 3-4 बेबीज़ टुगेदर। तो यहाँ देखिए ये आराम फरमाया जा रहा है, ऑल आर स्लीपिंग इन दिस क्यूबिकल। तो ऐसे क्यूबिकल्स बनाए गए थे और उसमें ये सारे बेबीज़ को रखा गया था, तो हमारे लिए सेलेक्ट हुआ है ये। एंड दीज क्यूबिकल्स आर मेड, जैसे कि आप अगर विज़िट करने जाते हैं तो आप यहाँ पर बैठ के आराम से अपने जो भी आपके वुड बी डॉग होगा उसके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड इफ़ द डॉग इज़ चैलिंग अप विथ यू एंड योर फैमिली और नॉट। तो ये बहुत ही क्यूट सा पपी है गोल्डन रिट्रीवर,
और हमें तो ये बहुत पसंद आ गया। पर देखते हैं, ये आज ही एक्चुअली यहाँ पर इनकी एंट्री हुई है, ये सर की, एंड ही इज एक्सट्रीमली क्यूट, आई कांट एक्सप्रेस, बहुत ही क्यूट पपी है ये, और बहुत ही मतलब खेलने वाला, जो बोलते ना पपी, वैसा है। पपीज और कैट्स, बर्ड्स के अलावा भी यहाँ पे कुछ और भी एनिमल्स हैं, यहाँ पे कुछ रेप्टाइल्स भी हैं, जैसे कि ये स्नेक्स हैं और कुछ इग्वानास हैं, कुछ लिजर्ड्स हैं अलग अलग टाइप की। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन अनय को बहुत मज़ा आ रहा है ये सब कुछ देखने में। वैसे भी उसने जू में देखा ये सब कुछ, लेकिन यहाँ पे भी देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। और ये भी कुछ तो रेप्टाइल्स और स्नेक्स आराम से सो रहे थे, बट सम आर अवेक, जैसे कि ये। हम लोग निकल लिए अभी, और बहुत ही क्यूट था वो डॉगी, छोटा सा पपी। उसका नाम उन लोगों ने बताया नहीं था, बिकॉज दैट जस्ट केम टुडे ओनली। प्राइस आप गेस करो, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। हम लोगों को लगा था, यहाँ पे हमने प्राइस चेक ऑलरेडी किया था पहले से ही, तो इट वाज कमिंग अराउंड मैक्सिमम $3,000 तक अच्छे से अच्छा आपको गोल्डन रिट्रीवर पपी दूसरे अडॉप्शन सेंटर से मिल जाएगा। पर यहाँ तो मुझे लग रहा है बहुत ही ओवर प्राइस था, शायद बिकॉज ऑफ द स्टोर। तो प्राइस था 8,200, दैट वाज द बेस प्राइस। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और होंगी, टैक्सेस एंड मे बी एडिशनल कुछ कॉस्ट होगा, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होगा, अडॉप्शन कॉस्ट, आई डोंट नो व्हाट ऑल वाज देयर। क्योंकि हम लोगों ने प्राइस सुन के, पहले उन्होंने प्राइस नहीं बताया, दे जस्ट सेड यू जस्ट जेल अप विद द डॉग, यू कैन जस्ट सिट अराउंड फॉर सम टाइम, और उसके बाद में फिर हम बाकी की डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो हमने फिर डिस्कस किया, वी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि हमें लेना तो है, ऐसा हमने सोचा है, इट्स नॉट येट डिसाइडेड, वी आर थिंकिंग अबाउट इट। तो देखते हैं क्या करेंगे, अभी और भी 3-4 अडॉप्शन सेंटर्स हैं जहाँ पर हमने बात की है, तो लेट्स सी। और वैसे यहाँ पर बहुत सारे स्टोर्स भी हैं जो पेट स्टोर्स हैं स्पेशल, और वहाँ पे स्टोर्स में सारे डॉगीज़, कैट्स, इन सब के सब कुछ अवेलेबल रहता है, बहुत सारी एक्सेसरीज़ रहती हैं, बहुत सारे टॉयज़ रहते हैं, टॉयज़ इतने अच्छे अच्छे बेबीज़ के जैसे टॉयज़ होते हैं, ऐसे ही डॉगीज़ के भी इतने अच्छे अच्छे टॉयज़ हैं, कैट्स के भी बहुत अच्छे टॉयज़ हैं, मुझे तो टॉयज़ देख के मज़ा आ गया। तो अभी देखते हैं, अभी तो जाएंगे हम लोग एक दूसरे स्टोर जाएंगे, क्योंकि वीकेंड है तो भाई निकले हैं जैसे तैसे घर से बाहर, तो कहीं ना कहीं तो घुमक्कड़ी करेंगे। वहाँ तो हम गए नहीं, पर बीच में एक बड़ा प्ले एरिया, तो अनय को खेलना था प्ले एरिया में, तो हमने सोचा ठीक है एक छोटा सा पार्क है यहाँ, एंड देयर इज़ अ नाइस प्ले एरिया फॉर किड्स, तो अनय थोड़ी देर खेल लेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे वो वाली स्टोर की तरफ। Thank you.
एजुकेशनल चीजें लगी हुई है। या या कमिंग कमिंग जैसे पीछे ऐसे छोटे बच्चों के लिए है, इट्स जस्ट फॉर द वेरी स्मॉल बेबीज। देन देयर इज लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, फिर उसके बाद में कुछ स्पेस से रिलेटेड चीजें, तो बहुत सारी ऐसे स्टडीज से रिलेटेड भी काफी सारा कुछ यहाँ पर डेकोरेट किया है या फिर ना लगाया है इन टर्म्स ऑफ बोर्ड्स। अने को फाइनली स्विंग मिल गया है एंड अने ले लिया है। अब अने को आई जस्ट स्विंग यू। बोलते हो ना कमेंट करके, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी बोलती है कि ये क्यों नहीं आते हैं व्लॉग्स में, अगर ये भी आएंगे व्लॉग्स में तो थोड़े इंटरेस्टिंग बनेंगे। मैं आपको फ्रेंकली बताती हूँ, जो उन्होंने बोला बिल्कुल साफ बता रही हूँ, तो इनसे ही पूछ लेते हैं। ये इसलिए नहीं आते क्योंकि थोड़े कैमरा कॉन्शियस है। लेकिन हाँ, ये बोल रहे थे मुझे धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा तुम्हारे भी व्लॉग्स में, है ना। कब? कब? दो तीन महीने लगेंगे आपको। ट्रैक्टर टाइम लगेगा ना, मैं नॉट सोशल एनिमल राइट, एंटी सोशल। एंटी सोशल। तो अभी आने ने खेल लिया अराउंड एक डेढ़ घंटा, लेकिन आने का नाम नहीं ले रहा है। ये इतने सारे आइटम्स है ना यहाँ पर, मुझे लगता है यहाँ से बच्चों को निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, पर फिर भी आने को हमने बोल दिया है लास्ट 5 मिनट्स। वो लास्ट 5 मिनट्स दो तीन बार हो चुका है 5 मिनट्स करके। Let's see, कब निकलेगा। No, it starts with an egg. From an egg it goes here, the caterpillar. No, from an egg. Yeah, first is the egg. Then to it goes to the caterpillar, then to this chrysalis, and then to an adult butterfly. And the process goes on. बहुत लेट हो रहा था इसलिए हम लोगों ने वो स्टोर का प्लान कर दिया है कैंसिल और हम डायरेक्ट घर आ गए। भूख लग रही थी और चाय पीने का बहुत मन कर रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था निकले हुए। पहले हम लोग वो पेट स्टोर गए और उसके बाद में फिर प्ले एरिया गए, तो फिर हमने सोचा ठीक है 4-5 घंटे हो गए हैं बाहर, बहुत ज़्यादा टाइम निकाल दिया हमने और वीकेंड फिर ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो हमने सोचा चलो ठीक है आज सैटरडे हम वापस घर आएंगे, कुछ अच्छा सा डिनर में मैं बनाऊँगी। लेट्स सी क्या बनाऊंगी। वैसे मैंने ऐसे सोचा है
डोसा बनाऊंगी, और वो इंस्टेंट डोसा है, ऐसा कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसके लिए। तो लेट्स सी, मैं अभी इसको दाल को भिगो दूंगी, और वो इतना इंस्टेंट है ना, आपको ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं सोच रही थी इडली सांभर बनाऊँ, तो सांभर की तो मैंने प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कर दी है, बस आपको सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो कुकर में लगा दिया है मेरे स्टाइल वाला सांभर, इंस्टेंट वाला। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती उसको बनाने में, बस तड़का लगाती हूँ लास्ट में। तो ये उड़द दाल का जो डोसा है ना, वो मैं बनाने के लिए यहाँ पर 2 कप उड़द दाल ले रही हूँ, और इसको अच्छे से पहले वॉश करूँगी, और वॉश करके इसको सोक कर दूँगी। तो मैंने ऑलरेडी इसको 15 मिनट्स के लिए सोक करके रख दिया है। तब तक ये सांभर जो मैंने बनाया है, वो बस उसमें प्रेशर कुक करने के लिए खूब सारी सब्जियाँ डाल दी हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और दाल डाल दी है। तो मैंने यहाँ पर अरहर दाल यूज़ की है, हल्दी, हींग, नमक और इमली। बस इसको प्रेशर कुक कर लेंगे 3 से 4 विसल्स के लिए, और 15 मिनट्स के बाद में देखिए उड़द दाल थोड़ी सी पॉपअप हो जाएगी, फूल जाएगी, और क्योंकि मैंने इसको गर्म पानी में सोख किया था तो ये फटाफट से हो गई। इस उड़द दाल का एक थिक सा बैटर बनाएंगे हम, बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, काफ़ी थिक बैटर में रख रही हूँ। उसके बाद में आप अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी उसमें ऐड कर सकते हैं पानी। तो ये इतना थिक है, और इसको अच्छे से पहले निकाल लीजिए आप, और उसके बाद में फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं। तो उसी मिक्सर जार में ही, क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो बस उसमें थोड़ा सा ये डाल दिया है, और इसमें ये अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये कंसिस्टेंसी इतनी थिक होनी चाहिए, तभी आपके डोसास बहुत क्रिस्पी बने, क्योंकि ये इंस्टेंट है, इसमें हमने कोई फर्मेंटेशन तो किया नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाल दिया है, और अनेको क्यूमिन पाउडर बहुत पसंद है, तो अगर उसका फ्लेवर आता है तो ही ट्राइज़ टू ईट ऑल दीज थिंग्स, नहीं तो वो ये सब चीज़ें नहीं खाता है। इसको मैंने ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तब तक हम अपना सांभर चेक करते हैं, प्रेशर कुक हो गया, बस इसमें एक तड़का लगा लेंगे फटाफट से। तो तड़का में तो ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, बस प्याज, टमाटर, और पहले राई डाला है ऑयल में, और उसमें थोड़ा सा मैंने करी पत्ते डाल दिए हैं, और बस इसमें प्याज टमाटर डाल के सांभर पाउडर डाला है, हल्दी और धनिया पाउडर डाला है। That's it. सांभर पाउडर अराउंड 1 to 2 स्पून्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। वैसे मैंने सांभर की रेसिपी ऑलरेडी शेयर की है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए छोड़ दूंगी। और मैं सांभर में बॉयल होने के टाइम पे ही डाल देती हूँ काफ़ी सारा धनिया, जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाए। तो जैसे जैसे बॉयल होगा इसमें कलर और फ्लेवर अपने आप आ जाएगा। 15 मिनट्स के बाद में हमारा बैटर भी थोड़ा बहुत फर्मेंट हो गया है, तो इसके बना लेंगे हम डोसास जैसे आप बनाते हैं। इसको स्प्रेड कर दीजिए। मैं आपको 2 टाइप का और डोसा बनाती हूँ, आई एम श्योर आप लोग भी बनाते ही होंगे ऐसा टाइप का डोसा, बट इन केस आपने अभी तक ट्राई नहीं किया हो तो आप ट्राई करना। ये तो मैंने इसके ऊपर सिर्फ प्याज और धनिया को चॉप करके, मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, और इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूंगी पहले बटर, और उसके ऊपर थोड़ा सा इसको पहले हम फ्लैट कर देंगे, क्योंकि मैं डोसा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, पर हाँ बनते बहुत अच्छे हैं। लेकिन बस ये क्रिस्पी क्रिस्पी डोसे को हम पहले थोड़ा फ्लिप कर लेंगे, और इसके ऊपर मैंने स्प्रेड कर दिया ये सब धनिया और प्याज, उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और सॉल्ट। दैट्स इट, ये अनेका है, प्लेन एंड सिंपल, उसको ऐसे ही पसंद है। अब एक दूसरे टाइप का डोसा बनाते हैं, शेजवान डोसा। तो उसके लिए मैंने ये थोड़ी सी शेजवान चटनी इसके ऊपर लगा दी है, ये वॉलमार्ट से लेकर आए थे हम लोग। एक्चुअली ये गार्लिक चिली चटनी है या सॉस है ये, और उस पर भी ये अनियन और धनिया को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया, और एक और क्रिस्पी डोसा तैयार है। एक और तरीके से आप बना सकते हैं ग्रीन चटनी चीज़ डोसा, तो बस ग्रीन चटनी स्प्रेड कर दिया और उस पर चीज़ स्प्रिंकल कर दिया है, थोड़ा सा मैंने गार्लिक पाउडर भी ऐड किया था, फ्लेवर बहुत अच्छा आया था। तो आप भी ऐसी सब ट्राई कर सकते हो। ये वाला डोसा आप ट्राई करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत एमी बना था। I'm in hospital.
it is clean. Wow, good. और किसी भी चीज़ को या किसी भी डिश को बनाने में लगता है बहुत टाइम, पर खाने में लगता है सिर्फ 10 मिनट, पर फिर भी बहुत टेस्टी बने थे, क्रिस्पी बने थे, और 2-3 बार बनाया मैंने अब तक, और हर बार इतने ही क्रिस्पी बने हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी, इंस्टेंट सी है, फटाफट से बन जाती है, और टेस्टी भी है, और प्रोटीन रिच है, क्योंकि हमने इसमें उड़द दाल यूज़ की है, तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हैं आप इसको, किसी भी डिश में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मील में बना सकते हैं, इट्स एनी वेज हेल्दी। और सांभर भी बहुत अच्छा बना था, इस बार मैंने कम खट्टा किया, लास्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा खट्टा हो गया था, तो मैंने जैसे ही बोला ना मैं सांभर बनाने वाली हूँ, तो ये बोल रहे थे, अनेपा बोल रहे थे कि थोड़ा सा सांभर पे ध्यान रखना और खट्टापन थोड़ा कम डालना, क्योंकि हर बार मेरे से खट्टा ही हो जाता था। एनीवेज अब हम इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, बेंड बेंड। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और क्यूट सा छोटा सा जो पपी हम देख के आए ना, हमने एक्चुअली इसको टकर बोल दिया था, टकर, वी नेम्ड इट टकर, एंड इवन आई मेड अ कार्ड फॉर मम, यस, ऑन दैट इट्स रिटन आई लव यू मम, इवन पापा, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट पीपल इन माय वर्ल्ड। वेरी नाइस, मैंने ऐसे लिखा है इसको यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, एंड इट्स वेरी नाइस। और बच्चे इतना ही सोचते हैं ना, आई थिंक किड्स आर वेरी सेंसिटिव ऑल्सो वेन इट कम्स टू फैमिली, तो भी ये जनरेशन के बच्चे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। एनी वेज अब हम करते हैं फाइनली इस ब्लॉग को एंड, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे देना, और अगर आप चैनल पे आए हैं, नए आए हैं, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का हैंडल है ब्लॉगिंग देसी। हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। आप में से कुछ लोग मैसेज करके बोलते हैं कि ब्लॉग कब आता है पता ही नहीं चलता, तो आप बेल आइकन ज़रूर नोटिफाई कर दीजिए, आई मीन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही ब्लॉग आएगा, तो क्योंकि ब्लॉग तो आता ही है। मैं रेगुलर नहीं हूँ, इट्स नॉट लाइक एवरी ऑल्टरनेट डे आई पुट, लेकिन हाँ कभी ऑल्टरनेट डे, कभी 2 दिन बाद, धीरे धीरे चल रहा है। एक बार जब थोड़ा प्रो हो जाऊँगी तो हर ऑल्टरनेट डे पे ज़रूर इसको पोस्ट किया करूँगी, तो प्लीज़ आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आते रहेंगे। बाय बाय। Cause I want you and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing.